Today we will study about norpyrrole synthesis, and this synthesis is a important synthesis for pyrrole. It is most widely used method for synthesis of pyrrole. Pyrrole ke sansleshan ke liye sabse mahatvapurna vidhi hai. Isme alpha amino ketone ya alpha amino beta keto ester का संघनन बीटा डाई कीटोन या बीटा कीटो एस्टर के साथ अम्ल की उपस्थिति में किया जाता है. इन दिस मेथड अल्फा अमीनो कीटोन और अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर इज कंडेंस्ड विथ बीटा डाई कीटोन और बीटा कीटो एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. यहाँ आप देख रहे हैं जो रिएक्टेंट हमने लिया है वो अल्फ़ा अमीनो कीटोन लिया है. अल्फ़ा अमीनो कीटोन क्यों कहा, लेफ़्ट साइड के रिएक्टेंट को आप देखें, यहाँ पे कीटो ग्रुप के पास वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहा, उस पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक रिएक्टेंट हमने लिया अल्फ़ा अमीनो कीटोन. और जो दूसरा रिएक्टेंट है वो हम बीटा कीटो एस्टर ले रहे हैं. बीटा कीटो एस्टर क्यों कहा, क्योंकि COOC2H5 ग्रुप एस्टर ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप होने के कारण उसके पास वाले कार्बन को अल्फ़ा और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा कहा, जहां कीटो ग्रुप है. तो इस तरह से ये बीटा कीटो एस्टर. तो दो रिएक्टेंट जो हमने नॉन पायरोल सिंथेसिस के लिए लिए हैं, एक है अल्फ़ा अमीनो कीटोन और दूसरा है बीटा कीटो एस्टर. इन दोनों को ही हमने टॉटोमराइज़ करके, आप देखें नीचे टॉटोमराइज़ करके इन्हें इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. इनोल फॉर्म का मतलब होता है जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में आ रहा है, और सी डबल बॉन्डों पे जिस कार्बन की तरफ डबल बॉन्ड बनाएंगे वहाँ से एच ओ के पास चला जाएगा. लेफ़्ट साइड वाले रिएक्टेंट को देखें जो अल्फ़ा अमीनो कीटोन है, उस अल्फ़ा अमीनो कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ वाले डबल बॉन्ड को हमने नीचे कार्बन की तरफ सी एच की तरफ शिफ्ट किया और वहाँ से एच को ओ पे ले आए, ओ एच बना लिया, इस तरह से इनोल डेवलप कर लिया. अब आप देख रहे हैं ये सी एच थ्री, सी के ऊपर में एक ओ एच है, और अब यहाँ पे डबल बॉन्ड सी जिस पे एक मिथाइल और अमीनो ग्रुप आ गया है. इस तरह से अल्फ़ा अमीनो कीटोन को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जहाँ पर हमने कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को इन कहा और ओएच ग्रुप को ऑल, इस तरह से इनोल में कन्वर्ट कर लिया. नेक्स्ट देखें आप राइट साइड वाला जो रिएक्टेंट है जो कि बीटा कीटो एस्टर है, उसके कीटो ग्रुप को भी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट किया. कैसे कन्वर्ट किया, इसमें दोनों तरफ कार्बन पे एच प्रेजेंट है, किस तरफ का कार्बन का एच ओ एच बनाने के काम आएगा, क्योंकि सी एच टू ग्रुप रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के बीच में सी ओ के बीच में आ रहा है, इसलिए सी एच टू वाला एच ऑक्सीजन की तरफ ओ एच बनाने के काम आएगा और डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा. तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो सी एच टू वाला कार्बन है सी ओ से डबल बॉन्ड उस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ और सी एच टू में से एक एच ओ के साथ ओ एच बनाने के काम आ रहा है. इस तरह से ये भी इनोल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया और कार्बन पे एक ओ एच ग्रुप डेवलप हो गया. तो अब हमें दिख रहा है सी ओ ओ सी टू एच फाइव जो कि सी एच से ही जुड़ा है अब, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और सी सिंगल बॉन्ड ओ एच और उस पर एक मिथाइल ग्रुप. यहाँ डॉटेड लाइन से ब्लॉक बने हुए हैं जो कि बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल वाटर का एलिमिनेशन, H और OH एलिमिनेट होगा तो इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा. उसी तरह से NH2 का H और राइट साइड वाले रिएक्टेंट का इनोल फॉर्म, उसका OH पार्ट रिएक्ट करके एलिमिनेट हो रहा है वाटर के फॉर्म में, और इस तरह से यहाँ से N का कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा और हमें पायरोल डेरिवेटिव मिल रहा है. तो ये पायरोल का डेरिवेटिव मिल गया, जहाँ पर N का
दोनों तरफ कार्बन से बॉन्ड हैं और दो डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। अब ये रिएक्शन किस तरह से होती है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन में आप देखें, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन दिस वे। यहाँ पहले हमने अल्फ़ा अमीनो कीटोन लिखा और दूसरा रिएक्टेंट बीटा कीटो एस्टर, और बीटा कीटो एस्टर को हमने इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इनोल फॉर्म में देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहा है और CH2 ग्रुप से HOH बनाने के काम आ रहा है। इस तरह से कीटो फॉर्म टॉटोमराइज करके इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इस इनोल फॉर्म की और स्टार्टिंग अल्फ़ा अमीनो कीटो कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे, तो NH2 वाले पार्ट में से H और C के ऊपर जो OH है वो H और OH वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट होगा और नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो एसिड के प्रेजेंस में देख रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ और नाइट्रोजन का उस कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया और ये हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। इस प्रोडक्ट में आप एरोज़ को बहुत ध्यान से देखिए, N के ऊपर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कार्बन की तरफ शिफ्ट किया है और जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं CH डबल बॉन्ड C जो दिख रहा है वहाँ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन पे शिफ्ट किया, जिससे कि कार्बन पे एनायन डेवलप हो जाएगा, कार्बनायन बन जाएगा, C पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और दूसरी तरफ CO ग्रुप को पोलराइज किया, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव साइट बन जाएगी। और जो कार्बनायन हमने राइट साइड पर डेवलप किया है वो कार्बनायन कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव साइट वाला कार्बन है, तो इस तरह से वो कार्बनायन न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। और इन तीनों एरोज़ को ध्यान से देखते हुए आप H+ के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट आ रहा है उसे देखें। इसमें अब हमने N और C के बीच में डबल बॉन्ड बना लिया, क्योंकि N के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं। इस बॉन्ड बनाने के प्रोसेस में N ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ दिया, इसलिए N पे प्लस का चार्ज आ गया और जो CH डबल बॉन्ड C था उसके इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट होने से कार्बनायन बना और ये कार्बनायन के इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर रहे हैं, जिससे कि बॉन्ड बन गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है और सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव की जगह हमने OH लिख लिया है। तो OH क्यों लिखा, क्योंकि H+ के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा रहे हैं और ओ नेगेटिव और H+ कंबाइन करके OH दे रहे हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमें प्रोडक्ट मिला। इसके एरोज़ को ध्यान से देखें, इन एरोज़ को जब ध्यान से देखेंगे तो आप वापस से देख रहे हैं नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड बना था वो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस से हम N पे शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे कि N का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और लोन पेयर बन जाएगा। और जो एस्टर ग्रुप वाला कार्बन है उस पर CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होके पाई बॉन्ड बना देंगे। और लेफ्ट साइड में देखें OH ग्रुप OH नेगेटिव के रूप में निकल रहा है और CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाने के काम आ रहे हैं। इस तरह से लेफ्ट साइड से H और OH वाटर एलिमिनेट हो रहा है और राइट साइड से हम खाली एक H को एलिमिनेट करा रहे हैं H+ के रूप में और कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के काम में ले रहे हैं। तो इस तरह से आप देखें दोनों डबल बॉन्ड बन गए राइट और लेफ्ट साइड में। एक तरफ तो H और OH एलिमिनेट हुआ वाटर के रूप में और दूसरी तरफ खाली H+ एलिमिनेट हुआ और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड बनाने के काम आ गए हैं। तो इस तरह से ये दिख रहा है हमें, पायरोल डेरिवेटिव बन गया, N पे लोन पेयर है और दो डबल बॉन्ड हैं और ये सिस्टम एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक सेक्स्टेट बन चुकी है। दो पाई बॉन्ड होने का मतलब चार पाई इलेक्ट्रॉन और N के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी एरोमेटिक सेक्स्टेट बनाने में काम में लिया जाता है। इस तरह से ये पायरोल डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मलेशन के बारे में, गैटरमैन रिएक्शन।
गैटरमैन रिएक्शन में स्पेसिफिक रिएजेंट होता है HCN प्लस HCl, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ये फॉर्माइलेटिंग मिक्सचर है, कहीं भी फॉर्माइल ग्रुप CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करना हो, अगर गैटरमैन रिएक्शन दी है तो रिएजेंट HCN प्लस HCl होगा, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द रिएक्शन ऑफ पायरोल विथ जिंक साइनाइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिजल्ट्स इन फॉर्माइलेशन एट C2 एंड C5 अल्फा पोजीशन। पायरोल के अंदर में फॉर्माइलेशन हम जिंक क्लोराइड और HCl के द्वारा करा रहे हैं, और ये फॉर्माइलेशन रिंग में 2 और 5 पोजीशन, यानी कि N से NH ग्रुप जो हेट्रो एटम है उससे अल्फा पोजीशंस पर होगी, क्योंकि अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो पायरोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 और 5 पे बढ़ती है। तो इस तरह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल 2 और 5 पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे ही आएगा। और द रिएक्शन इन्वॉल्व्स इम्यूनोफॉर्माइल एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर इम्यूनोफॉर्माइल इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बन रहा है, जिसका बनना हम यहाँ दिखाते हैं। ये देखें, रिएक्टेंट हमने लिया है पायरोल और रिएक्शन कराई जिंक साइनाइड और HCl से, और इससे हमें CH डबल बॉन्ड NH इमीन ग्रुप जो है पायरोल के रिंग पर 2 पोजीशन पर अटैच हो गया, CH डबल बॉन्ड NH। ये देखेंगे किस तरह से HCN बनता है और उसके बाद ये इमीन ग्रुप आता है, इम्यूनोफॉर्माइल ग्रुप बनता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में पायरोल के रिंग पर 2 या 5 पोजीशन पर अटैक करेगा। इस इमीन ग्रुप का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आप देख रहे हैं वाटर के जो 2H पार्ट हैं वो NH के साथ अमोनिया दे देंगे, और वाटर का जो O पार्ट है वो CH डबल बॉन्ड O यानी कि CHO बनाने के काम आ गया। इस तरह से इमीन ग्रुप के हाइड्रोलाइसिस से हमने फॉर्माइल ग्रुप CHO ग्रुप डेवलप कर दिया 2 पोजीशन पे। और ये इम्यूनोफॉर्माइल ग्रुप किस तरह से बनता है उसका बनना देखें। जिंक साइनाइड और HCl की रिएक्शन से हमें ZnCl2 और 2 HCN के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ZnCl2 और HCl जब रिएक्ट करते हैं तो उससे H+ ZnCl3- नेगेटिव ये स्पीसीज बनी, और इसकी जब HCN से रिएक्शन होती है तो इस तरह से इम्यूनोफॉर्माइल ग्रुप बन रहा है। HCN से जब रिएक्शन हो रही है तो आप देखें ZnCl3 H पॉजिटिव ZnCl3 में से Cl नेगेटिव तो अलग से निकल गया है और ZnCl2 अलग निकल गया है, अब बचा हमारे पास H+, वो H+ CN के नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण H+ नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के द्वारा H+ को जोड़ लेगा, और ये HC ट्रिपल बॉन्ड NH पॉजिटिव ये स्पीसीज बन जाएगी, जहाँ N के ऊपर H आ गया है जो कि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोटोन को ऐड किया है। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड को आप नाइट्रोजन पे शिफ्ट करें जिससे कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर बन जाएगा, और ये इम्यूनोफॉर्माइल इलेक्ट्रोफाइल है, HC हैविंग पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड NH। ये इम्यूनोफॉर्माइल इलेक्ट्रोफाइल जो है पायरोल के 2 या 5 पोजीशन पर अटैक करेगा, जो कि ऊपर रिएक्शन में दिख रहा है CH डबल बॉन्ड NH जो कि 2 पोजीशन पर जुड़ा है। और इस इम्यूनोफॉर्माइल ग्रुप के 2 पोजीशन में जुड़ने के बाद हाइड्रोलाइसिस के द्वारा फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। तो इस तरह से गैटरमैन रिएक्शन के द्वारा पायरोल में 2 या 5 पोजीशन पर फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जहाँ भी गैटरमैन रिएक्शन आती है फॉर्माइलेटिंग मिक्सचर क्या होगा, HCN एंड HCl, हाइड्रोजन साइनाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, जिससे कि इमीन डेवलप होता है CH डबल बॉन्ड NH, और उसके हाइड्रोलाइसिस से एल्डिहाइड ग्रुप डेवलप होगा। और 2 और 5 पोजीशन पे ही क्यों आया, क्योंकि वो दोनों पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हैं पायरोल में, इसलिए उन पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट दे रहा है। आगे की क्लासेस में हम और हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।